नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंशिका पांडे। न्यायधानी बिलासपुर में भूमाफियाओं से साठगांठ के आरोप में राजस्व विभाग हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। राजस्व अधिकारियों से तमाम शिकायतों के बाद भी भूमाफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाने से अब भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस पे मिलन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। जमीन के इस गोरख धंधे में छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री से जब जानकारी जाननी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के बाहुबली राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल अवैध प्लाटिंग के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं हूं जो हर केस पर बात करूं। उन्होंने कहा अगर एक एक केस पर बात करना है तो तहसीलदार से करें या उनसे अलग से मिलें। मंत्री जी अपने दिमाग में कोई भी डिक्शनरी लेकर नहीं चलते। एक एक केस ऐसा बोलेंगे मैं कोई मजिस्ट्रेट तो हूं नहीं, बैठ के एक एक चीज का आपको संज्ञान लाने का तरीका ही नहीं। आप बताइए तहसीलदार, मैं भी आपके सामने बात करूंगा। उनको तो जानकारी, उसके बावजूद कार्रवाई, नोटिस निगम ने नोटिस जारी कर दिया। कार्रवाई अगर जब उनको जो मालूम है होता तो मैं कर लेता ना। मेरे से आप बैठ के बात करिए ना, प्रेस के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि वो फलाना, अब आप बोलोगे फलाना खसरा नंबर, तो मैं क्या कोई डिक्शनरी लेके दिमाग में थोड़ी। मैं तो आपको मामला बता रहा हूं। जब पत्रकार ने बेहतराई से खसरा नंबर बताते हुए अवैध प्लाटिंग के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल पूछा और बिलासपुर निगम के बिजौर क्षेत्र में सरकारी स्कूल की मैदान पर कब्जा कर भूमाफियाओं ने पहले तो सड़क बना दी और उसी सड़क के दम पर खुलेआम बिना नियमों के भूमाफिया अवैध रूप से जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में भी बेलतरा बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने उठाया था और विधानसभा सत्र में राजस्व मंत्री ने कार्यवाही के आश्वासन भी दिए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग एवं नगर निगम ने अभी तक सरकारी स्कूल के मैदान पर कब्जा कर सड़क बनाने वाले बिल्डर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो ये थी बिलासपुर जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।